वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। मेरा नाम वजाहत है, मेरे साथ है मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी जबरदस्त है। तो मुकेश अंबानी वर्सेस जैक मा का फुल कंपैरिजन होने लगा है, तो देखते हैं यार मतलब कैसा है। जैक मा मतलब मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता, इंडिया का रिचेस्ट मैन है, और जैक मा जो है वो चाइना का रिचेस्ट मैन है। मे बी आई थिंक सो चाइना। हां चाइना का ही है। अच्छा, जैक मा अलीबाबा 40 चोरों का मालिक। अली बाबा इसकी साइड का नाम। अच्छा, है वो अली बाबा इसकी है। हाँ, वेबसाइट इसकी। तुझे नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता था। जैक मा यार दे तो क्या इंडिया स्टॉप फैक्ट की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एवरी मिस्टेक इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू कम टू चाइना कम टू माय सी When KFC आज दुनिया भर में पैसे वाला होना बढ़ते समय के साथ मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में खुद को ग्लोबल रिच लिस्ट में शामिल करना और भी ज्यादा मुश्किल है। पर हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी और चीन के जैक मा दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बढ़ती मुश्किलों वाली घड़ी में भी खुद को वर्तमान में इस लिस्ट में शामिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का चाइना के बिजनेस टाइकून जैक मा से। कैसे इन्होंने अपने आप को इतना सफल बनाया और वो कौन सी बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से बेहतर बनाती है, जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया स्टॉक फैक्ट्स। नंबर 1, मुकेश अंबानी का पूरा नाम मुकेश धीरूभाई अंबानी है। इनका जन्म 19 अप्रैल साल 1957 में यमन में हुआ था। यमन में जन्मे मुकेश आज इंडिया के बिजनेस मॉग्यूल है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। वहीं जैक मा का असली नाम मा यू है। इनका जन्म 10 सितंबर 1964 में चाइना के जीजियांग प्रोविंस में हुआ था। चाइना के महान एंटरप्रेन्योर जैक मा अलीबाबा ग्रुप और बिजनेस वेबसाइट alibaba.com के भी हेड रह चुके हैं। taobao.com नाम की एक शॉपिंग साइट के फाउंडर भी जैक मा ही हैं। आइए इन दोनों सफल हस्तियों के बचपन की एक झलक लें। नंबर 2, जैक मा ने बहुत छोटी उम्र से ही इंग्लिश भाषा सीखनी शुरू कर दी थी। 9 साल की उम्र में जैक 27 किलोमीटर तक अपनी साइकिल पर सिर्फ टूरिस्ट को गाइड करने के लिए जाते थे, ताकि उन्हें इसी बहाने अपनी इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने मिल जाए। मायू फॉरेनर्स के लिए उनका ये चाइनीज नाम दोहराना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए एक फॉरेनर ने मायू का निकनेम जैक रखा, क्योंकि ये कहना आसान था। पर मा यू को अपना नया नाम जैक मा पसंद आ गया। वहीं मुकेश अंबानी यमन में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर जन्मे थे। मुकेश के एक छोटे भाई अनिल अंबानी और दो बहनें नीना भद्रशम कोठारी और दीप्ति दत्तारात सलगांवकर है। यमन में एक साल गुजार कर 1958 में धीरूभाई अंबानी वापस आ गए और ट्रेडिंग और टेक्सटाइल्स का बिजनेस शुरू कर दिया। 1970 तक मुकेश अंबानी एक 2-बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे, जिसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने पर मुकेश के पिता ने कोलाबा में 14th फ्लोर अपार्टमेंट ले लिया, जिसका नाम सीवेन था। नंबर 3, अगर एजुकेशन की बात करें तो कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए ही जैक मा को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में 3 साल लग गए, क्योंकि चाइना में ये एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है। जैक मा ने हैंगजू नॉर्मल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, जो उस वक्त हैंगजू टीचर्स इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती थी। साल 1998 में जैक ने इंग्लिश में बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वहीं मुकेश अंबानी ने अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में एडमिशन लिया और वहीं पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से बीई केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। नंबर 4, ग्रेजुएशन के बाद जैक मा ने हैंगजू डियांजी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टीचिंग और इंटरनेशनल ट्रेड करना शुरू कर दिया। वैसे तो जैक मा अपनी पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से करना चाहते थे, पर बदकिस्मती से 10 बार अप्लाई करने के बाद भी इन्हें हार्वर्ड स्कूल में रिजेक्ट कर दिया। वहीं अपने कॉलेज के बाद मुकेश अंबानी ने MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लिया, पर 1980 में उनके पिता की मदद करने और रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके पिता धीरूभाई अंबानी की ये सोच थी कि स्कूल में किताब पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स जरूरी होती है। नंबर 5, हर अमीर इंसान की शुरुआत मेहनत और संघर्ष से होती है। उसी तरह जैक मा की शुरुआत भी इतनी खास नहीं थी। जैक मा ने 30 अलग अलग नौकरियों के लिए अपना नाम दिया था। जैक मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पुलिस की जॉब के लिए गए, पर उन्होंने जैक को सीधे नकार दिया। उसके बाद जब जैक के शहर में KFC आया तो 24 लड़के इस जॉब के लिए गए, जिसमें जैक भी एक थे।
पर केएफसी ने 23 को सेलेक्ट किया और जैक अकेले बिना नौकरी के घर लौटे। वहीं मुकेश अंबानी को नौकरियां नहीं ढूंढनी पड़ी, न ही पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ा, पर इनका संघर्ष अलग था। साल 1986 में धीरूभाई अंबानी को पहला स्ट्रोक आया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ने के कारण सारी जिम्मेदारियाँ मुकेश और उनके भाई अनिल पर आ गयी। नंबर 6, आखिर इन दोनों ने अपनी सफलता की शुरुआत कैसे की, आइए जानते हैं। जब जिम्मेदारियां मुकेश पर आई, तब उन्होंने रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड को स्टार्ट किया, जो आज रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी का फोकस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन पर था। मुकेश ने इस पर इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि उन्हें बढ़ती टेक्नोलॉजी और इसके प्रॉफिट का अंदाजा आ गया था। 2002 में मुकेश के पिता धीरूभाई अंबानी का दूसरा स्ट्रोक से देहांत हो गया, जिसके बाद अब रिलायंस कंपनी के सारे बदलाव और फैसले मुकेश पर आ गए। मुकेश ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर इंडिया में बनाया। 2014 में मुकेश ने 4G सर्विस को इंडिया में 2015 तक लाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी करी। फरवरी 2016 में अंबानी ने खुद का 4G स्मार्टफोन ब्रांड LYF लॉन्च किया और जून 2016 में वो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग मोबाइल ब्रांड बन गया। मुकेश ने इंडिया में रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड यानी जियो को इंट्रोड्यूस किया, जो मोबाइल ब्रांड्स के साथ साथ जियो सिम की बेहतरीन सर्विस को इंडिया में बहुत पसंद किया गया और जियो के कारण रिलायंस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बेहद बढ़ गई। फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग से हाथ मिलाने के बाद जियो को और भी सफलता मिली। वहीं अगर बात करें जैक मा की सफलता की, तो साल 1994 में जैक को पहली बार इंटरनेट के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने हैंगजू हाइबो ट्रांसलेशन एजेंसी नाम की कंपनी बनाई। जब वो यूएसए गए तो उन्हें पता चला कि चाइना के लोगों को इंटरनेट के बारे में कम पता है, वहाँ ज्यादा कंपनीज की अपनी वेबसाइट्स नहीं है। अच्छा, इसीलिए जैक मा ने यूएस में बैठकर बहुत से चाइनीज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर उनकी कंपनी को एक वेबसाइट दी। अप्रैल 1995 में जैक ने ChinaPage.com नाम की साइट अपने कंप्यूटर टीचर के साथ बनाई, जो 3 साल के अंदर $800,000 का मुनाफा कमा चुकी थी। अब जैक मा को अंदाजा लग चुका था कि कामयाबी दूर नहीं है। 33 साल की उम्र में उन्होंने खुद का एक कंप्यूटर लिया और उस पर बियर सर्च की, पर जब उन्हें सर्च में चाइना की बियर नहीं मिली तो उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना चाइनीज मार्केट को ऑनलाइन लाया जाए। अपने ही अपार्टमेंट में 18 दोस्तों के साथ मिलकर जैक ने अलीबाबा ग्रुप नाम की ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर इन्वेस्टमेंट की और आज अलीबाबा चाइना की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। अलीबाबा से जैक को बहुत फायदा मिला। साल 2015 में जैक ने हुपान नाम की बिजनेस स्कूल भी खोल दी। नंबर 7, अगर दोनों के नेटवर्थ को कंपेयर करें तो जैक मा का नेटवर्थ 6,510 करोड़ यूएस डॉलर्स है, वहीं मुकेश अंबानी का नेटवर्थ अब 7,800 यूएस डॉलर्स है। नंबर 8, वर्ल्ड के रिच लिस्ट में जैक मा 28th रैंक पर है, वहीं इंडिया के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8th पोजीशन पर आ चुके हैं। नंबर 9, अगर बात करें एशिया के रिच लिस्ट की, तो जैक मा एशिया के थर्ड सबसे रिचेस्ट आदमी है, वहीं मुकेश इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर है। मुकेश अंबानी इंडिया के भी सबसे अमीर आदमी है और जैक मा चाइना के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड और एशिया की अमीरों की लिस्ट वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। नंबर 10, मुकेश अंबानी ने इस सफलता को 63 इयर्स की उम्र में ही हासिल किया और जैक मा ने 56 इयर्स की उम्र में, मतलब शायद मुकेश की उम्र तक जैक और भी आगे आएंगे और मुकेश भी सफलता की हर सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहे हैं। जहां मुकेश सिर्फ बिजनेस में पूरी तरह से ध्यान लगा रहे हैं, वहीं जैक मा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी 2017 में एक शॉर्ट कुंग फू फिल्म से कदम रख चुके हैं। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी और जैक मा में से कौन पहला जेफ बेजोस और बिल गेट्स की टक्कर में आएंगे, यह हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये था चाइना का अमीर बंदा और अलीबाबा, यानी मतलब अलीबाबा वर्सेस जियो का। यार एक बात करूंगा, मतलब दोनों ने काफी मेहनत की है इस लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यार जैक मा ने बहुत बड़ी जैक मा ने बहुत बड़ी मेहनत है क्योंकि एक बंदे को मिला, मतलब पहले से बनाया, लेकिन उसने अपना आइडियाज लगा के उसको ऊपर लेकर गया और एक बंदा बिल्कुल जीरो से हीरो बना, मतलब तो ज्यादा पॉइंट जैक मा को जाते हैं क्योंकि वजह उसने मेहनत की, क्योंकि जब उसने बोला 23 मतलब 24 में से 23 सेलेक्ट हो गए और मतलब फेलियर था इसकी लाइफ में, काफी फेलियर था उसकी। उस बात में मुझे ऐसी है कि 24 में से 23 सेलेक्ट था उसको बोला चल। और अभी मुकेश अंबानी के जैसा फादर की डेथ हुई थी तो 50-50 दोनों बेटों को मिली, तो
इन्होंने रिलायंस की तरफ गए और उनका अपना भी पता नहीं कोई थी। अभी उनकी नेटवर्थ है मेरे ख्याल में $1 billion भी नहीं है। बहुत सारी बात है। मुकेश अंबानी ने अपना आइडिया लगाया और शायद उनकी मैंने सुनने में आया कि मतलब नहीं बनती भाइयों की, मतलब एक आइडिया पे नहीं बन रही थी। मुकेश अंबानी बोल रहे थे कि मतलब ये वाली करनी है, वो कहते हैं ये करनी है, तो मतलब उनकी फिर डाउन हो गई थी काफी। और वैल्यू भी कहते हैं उनके भाई की 0 है और इनकी 100 ज्यादा है। वो मतलब इतना सारी बात है, नाम तो अंबानी का ही चलता है। तो यार मतलब दोनों है यार, एक बात है दोनों में मेहनत बहुत की है भाई, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और इनमें कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि हर किसी ने अलग अलग लेवल पे मेहनत की। हाँ, अलग अलग लेवल में लेकिन यार ये मतलब एक बताया गया कि मतलब चाइना का रिचेस्ट कैसा है, सेकंड उसका कैसा है, क्यों नाम अलीबाबा का फेमस है ना, अलीबाबा बड़ा फेमस है यार। मैं दूसरे वाले को सीरियसली नहीं जानता, वो जो पहले नंबर पे उसको मैं खुद नहीं, अब मुझे वो नहीं पता वो कौन है क्योंकि सेकंड है तो एशिया का थर्ड है। हाँ। तो जाहिर बात है फ्यूचर में ये बिल गेट्स और ये जेफ बेजोस जो भी है इनको काट जाएंगे क्योंकि यार मतलब इनके पास पोटेंशियल है इनको काटने। सही बोल रहे हैं। तो यार आप इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें तो हमारी दोनों के लिए रिस्पेक्ट है, तो आप बताओ आपको मतलब कौन सा बंदा ज्यादा पसंद है। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। तो यार बाय।